हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छुमा दे। मैं फिर से लेके आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। आज भी मैं आप लोगों के साथ बंगाली स्टाइल में रेसिपी शेयर करूँगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा छोटी मछली रेसिपी। तो सुबह सुबह मेरे भाई मार्केट से आई हैं, तो मार्केट से सब्जी और मछली लाए हैं। तो देखिए मछली ताज़ा था, बट आँख जैसे वह दिख रही है जैसे कि गल गया है मछली, तो गला नहीं था। तो जो भी है मछली मेरे भाई और मेरे माँ काट के क्लीन करके दिया है। तो मैं घर पर घर की कामकाज कर रही थी क्योंकि मेरे उंगली पर थोड़ा दर्द था, इसीलिए मैंने आज मछली नहीं काटी है। तो देखिए मैं सब्जी भी तैयार कर लिया है, सब कुछ रेडी कर लिया है। तो सब्जी में लिया था बरबटी और आलू। टोमेटो को मैं मसाला के साथ मिक्सर ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लिया था। तो मैं बैंगन फ्राई करूँगी, तो बैंगन मैरिनेट करके रखी हूँ नून नमक और हल्दी से, और मछली भी मैरिनेट कर लूँगी नमक और हल्दी से। बाद में मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी। और मेरा दाल और चावल मेरा ऑलरेडी पहले हो गया था, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अब मैं बैंगन फ्राई करूँगी, बाद में मछली फ्राई करूँगी और मछली करी बनाऊँगी। सब कुछ आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा, इसीलिए आप लोग स्किप मत करना, देखते रहना। आप लोगों को दाल और चावल दिखा दिया है, दाल और चावल बना लिया था पहले ही। तो बैंगन फ्राई भी मेरा हो गया है, अब मैं मछली फ्राई कर लूँगी। दाल चावल हो गया था तो मछली फ्राई करूँगी, और बैंगन फ्राई भी हो गया था तो मेरे भाई और मैं चावल खा लूँगी सुबह सुबह की। मैंने सुबह आज चाय खाए थे बिस्कुट के साथ ब्रेकफास्ट में, और कुछ नहीं लिया है। तो अब 11 बज रही है, भूख भी लगी है, इसलिए चावल ही खा लूँगी ब्रेकफास्ट में। हम बंगाली लोग 3 टाइम चावल खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, 2 टाइम चावल खाते हैं, रात में रोटी खाते हैं, तो हम चावल खाते हैं 3 टाइम। मछली फ्राई हो गया था तो अब मेरे भाई के लिए मैं चावल रेडी कर लिया है देने के लिए। अब मैं भी खा लूँगी, मेरे भाई को भी दे दूँगी। तो मैं दाल बनाया था, मसूर दाल प्याज तड़का लगाकर और ऊपर से धनिया पत्ता दे दिया था। तो मछली फ्राई, बैंगन फ्राई और दाल और नमक और एक लेमन लिया है। तो सुबह की ब्रेकफास्ट में आज ये सभी है हमारा। तो मैं भी खा लूँगी, मेरे भाई को भी दे दूँगी। हम लोगों ने खाना खा लिया था, बाद में जो भी मछली थी एक्स्ट्रा वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। बाद में वही कढ़ाई पर मैंने सरसों ऑयल फिर डाली है, डालने के बाद नमक हल्दी डालने के बाद बरबटी और आलू को दे दिया है। और बरबटी आलू को मैं अब थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। आप बरबटी को फ्राई कर लेना, क्योंकि बरबटी को फ्राई कर लेंगे तो
मछली करी में खाने में अच्छा लगेगा और टेस्ट भी आएगा, तो इसीलिए मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। मैं अब थोड़े टाइम के लिए ढककर रख दूँगी बॉयल होने के लिए। बरबटी और आलू फ्राई होते होते मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया था। हम लोग जो चावल खाए थे और सुबह की चाय की बर्तन थी सब क्लीन कर लिया था, तो मेरे बरबटी और आलू फ्राई भी हो गया था। बरबटी आलू फ्राई होने के बाद मैंने नमा लिया था। नमाने के बाद मैंने फिर से सरसों ऑयल डाली है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं डालूँगी प्याज। तड़के में मैं प्याज और जीरा डालूँगी। आप लोग ओनली जीरा भी डाल सकते हैं या आप लोग यहाँ पर कलौंजी भी डाल सकते हैं। प्याज और जीरा स्किप करके कलौंजी भी डालकर बना सकते हैं। तो हमारे घर पर सबको प्याज पसंद है इसलिए प्याज डाली है और जीरा डाली है खुशबू के लिए। तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो अच्छा लगेंगे खाने में। तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जो डालना चाहते हैं तड़के पर डाल सकते हैं। तो मैंने प्याज और जीरा डाल रही हूँ। तो अच्छे से गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई कर लूँगी। बाद में मैंने जो मसाला करके रखी थी मिक्सर ग्राइंडर पर, तो मसाला पर मैंने डाली थी 2 टमाटो, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी और थोड़ा लहसुन, प्याज भी था। तो अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर पर मैंने ग्राइंड कर लिया था सब कुछ एक साथ। तो अब मैं मसाला को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मसाला को आप लोग अच्छे से फ्राई कर लेना, क्योंकि मैंने मसाला पर डाली थी टोमेटो, मिक्सर ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लिया था तो आप लोगों को दिखाया नहीं, बट आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं अच्छे से मसाला के जो तेल देख रही है ना, ऐसे आप लोगों को तेल निकलना चाहिए। जब तेल निकल जाए तो समझना कि आपका मसाला अच्छे से गुन गया है। तो अब मैं जो सब्जी मैंने फ्राई करके रखी थी बरबटी और आलू, वो सब्जी डाल दिया है। तो अब मैं सब्जी के साथ अच्छे से मसाला को फ्राई करूँगी, थोड़े टाइम के लिए गुनूंगी, बाद में झूल के लिए पानी डाल दूँगी। झूल मेरा उबल गया है तो इसीलिए मैं थोड़ा आलू लेकर गलाकर झूल में दे दूंगी, क्योंकि झूल थोड़ा घना हो जाएगा। आप लोग छोटे मछली कारी भी बोल सकते हैं, तो ज़्यादा घना भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। और जो आप लोगों को मैंने छोटे मछली दिखाया है आज, जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इस छोटे मछली की एक बेनिफिट है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर भी कहते हैं छोटे मछली जब ये पुठी मछ कहते हैं हम लोग, तो ये छोटे पुठी मछली आप जो खाएंगे जिसके आँखों में प्रॉब्लम है आँखों की रोशनी के लिए, तो अच्छा होता है ये मछली। तो इसीलिए आप लोग भी जिसकी भी आँखों में प्रॉब्लम है ये मछली खाइए। तो जो भी है, मेरा झूल होने के बाद मैंने दे दिया था मछली। तो मछली थोड़े टाइम के लिए दिया है तो और थोड़े टाइम के लिए गैस पर रखूंगी, मछली थोड़ा नरम हो जाए। तो देखिए मछली नरम हो गया है, तो अब मैं ऊपर से धनिया पत्ता डाल दूंगी।
टोमेटो आलू बरबटी के साथ मेरे छोटे मछली रेसिपी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं छोटे मछली करी, बहुत ही अच्छा हुआ था खाने में। तो आप लोग भी बंगाली स्टाइल में ऐसे बना सकते हैं घर पर, और बनाकर मुझे ज़रूर बताना कैसा लगता है खाने में। तो हम जो बनाया था मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा खाने में, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो आज यहाँ पर ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना। बाय बाय।